भारतीय संयुक्त किसान मजदूर संघ की आज एक यहाँ पर न्यू अशोकनगर के अंदर एक मीटिंग रखी गई है। जैसा कि आपको पता है कि किसानों की मांगों को लेकर लगातार देश में आंदोलन होते रहे और सरकार टस से मस नहीं होती है, तो आज उसी के तहत एक यूनियन भारतीय संयुक्त किसान मजदूर यूनियन जो है उसका आज एक यहाँ कार्यक्रम न्यू अशोकनगर क्षेत्र में रखा गया है। अभी मिलवाते हैं आपसे और बात करवाते हैं कि क्या सरकार से इनकी मांगे हैं और किन मुद्दों पर ये किसान जो है यूनियन की मांगे हैं, किस मुद्दों पर आगे इतने संगठन थे, एक नया संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? संगठन देश में पार्टियां कितनी भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, लेकिन और पार्टियों को बनाने की जरूरत पड़ी ना। अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है तो एक नई पार्टी खड़ी होती है, एक नया संगठन खड़ा होता है। तो यही देखते हुए कि हम बहुत संगठनों में हमने भी काम किया, हम उन संगठनों से संतुष्ट नहीं हुए। हमने देखा गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला होता जा रहा है, तो उस वजह से हम उनका सहयोग करेंगे। जो लोग दबे कुचले हैं उनका सहयोग करेंगे और ये संगठन एक ईमानदारी संगठन में होगी और गरीबों की और किसानों की और मजदूरों की और औरतों की हमेशा ये हेल्प में रहेगा। जो SKM के तमाम संगठन हैं, क्या उनके साथ आपका टाई अप है? नहीं, हम किसी से टाई अप नहीं है हमारा। कोई संगठन हमें विलय होना चाहता है और वो भी हम देखेंगे, उनको जांचेंगे परखेंगे कि वो ईमानदार लोग हैं कि नहीं है। अगर वो ईमानदार लोग हैं तो हम उनको जरूर अपने संगठन में लाएंगे। हम किसी संगठन के साथ हम नहीं है, ना हमारे साथ कोई दूसरा संगठन। दिन प्रतिदिन हमारी ईमानदारी को देख के दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि हफ्ते में कम से कम 40 से 50 हमारे संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी महिला की टीम है और हमारी पुरुषों की टीम भी बहुत जुड़ती जा रही है। हर हफ्ते 40 से 50 ज्वाइनिंग हमारी हो रही है, उनको दिखता है, उन्होंने दूसरे संगठनों में भी देखा है, हमने भी उन संगठनों में काम किया है। अगर वहाँ गलत होता है तो हमने उनका विरोध किया है और आज भी हम विरोध करते हैं। अगर कोई दूसरे संगठनों में भी अगर कहीं गलती करेगा तो उस संगठन के भी खिलाफ हम बैठेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों 13 महीने लगातार किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार ने जो वादे किए थे सरकार ने पूरे नहीं किए। ये केवल आप फिर आवाज उठाएंगे? ये केवल झूठे वादे थे, कोई वादा नहीं हुआ। संगठनों में बेईमानी थी। हम भी वहाँ बैठे थे, केवल MSP की बात थी कि MSP पे बात की जाए। तो MSP सरकार ने कहा मानी अभी? नहीं मानी MSP, लेकिन हम उस टाइम नहीं बैठे थे, हम गए थे वहाँ उन संगठनों में। इसलिए ये संगठन बनाने का हमारा उद्देश्य है कि वो लड़ाई हम दोबारा से लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई हम दोबारा से लड़ेंगे और MSP पे बात करेंगे। BM सिंह है, राकेश टिकायत है, गुलाम चडूनी है, तमाम लोगों ने MSP की ही बात की थी उस टाइम भी। नहीं, MSP की बात की थी, लेकिन फिर क्यों टूट गए? बात सोचने वाली है। जब MSP क्लियर नहीं हुई, सरकार दबाव झुकी गई थी। नहीं, सरकार देखो सुनो, जब एक संगठन बैठता है लोग बाहर निकलते हैं तो सरकार को झुकना तो पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कोई समझौता किया। जब उनका समझौता हुआ तो वो हट गए। MSP की आज तक कोई बात नहीं हुई, ना MSP अभी लागू हुई है। हम फिर आंदोलन करेंगे और फिर बैठेंगे बॉर्डरों पे और फिर अपनी MSP मांगेंगे। संगठन मजदूरों के लिए क्या करेंगे? अगर MSP बन जाती है और बहुत सारे कानून बन जाते हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि एक मजदूर को 500 रुपये में ठगा जा रहा है, 600 रुपये में ठगा जा रहा है। आज क्या 500-600 रुपये में एक मजदूर अपना लालन पालन अपना पोषण कर सकता है क्या? हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी तो मन की बात में कहते हैं कि देश का किसान मजदूर सब खुशहाल है, फिर शिकायत कहाँ है? किसके मन की? हमारे मन की? नहीं, मजदूरों के, किसानों के मन की नहीं, वो खुद के मन की बात कहते हैं। उनके मन में जो आ रहा है वो कह रहे हैं। उनके मन में आएगा हमें करेंसी चेंज कर देनी है, नोट चेंज कर देने, तो उनके मन में जो उनके मन की बात है। हमारे मन की बात करो ना, हमारे मन की बात नहीं करते मोदी जी, अपने मन की बात करते हैं। राहुल जी की, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो, सबके ये राजनीतिक टंटे हैं, राजनीति है। वो अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस BJP अपनी राजनीति कर रही है। ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये किसानों का, मजदूरों का, वो दबे कुचले जो लोग इस इंडिया में हैं, इस भारत में जी रहे हैं, जिनको सुबह का भोजन मिल जाता है, शाम का नहीं है, शाम का भोजन मिल जाता है, सुबह का नहीं है, ये संगठन उनके लिए काम करेगा। क्या जो पहले 13 महीने पहले जो आप पिछले साल जो छोड़ के गए थे वादे, सरकार के खिलाफ जो आपकी शिकायतें थी, क्या उनको फिर आगे रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। हम वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिलाएं कहीं अनहित हो रहा है उनके साथ, तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ लड़ाई। आंदोलन हुआ था तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था जी। अब आप किस तरह की आगे सरकार से जो किसानों के हित की बात के लिए किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है, क्या करेंगे? देखिए, पिछले बार तो सरकार को अपनी लोकसभा चुनाव लड़नी थी, इस वजह से वो बैकफुट पे आ गई थी। उसे पता था कि जन आंदोलन जो किसानों को है वो मजदूरों से लेके आम जनता तक हो गई है, तो वो डर गई थी सरकार। सोचा कि सरकार हिल गई, सीटें आ नहीं पाती मोदी जी के, इसलिए वो बैकफुट पे आई और अपना जो निर्णय था वो वापस ले लिए बिल।
क्या मोदी जी झुक गए थे लेकिन फिर वही बात है, मानी नहीं उन्होंने? नहीं मानी तो फिर से होगा दोबारा से, उसी की तैयारी चल रही है हमारी। ये जो संगठन का विस्तार हो रहा है, चाहे जो भी किसान भाई जो और भी किसानों के जो संगठन है, फिर से मजबूती से फिर से धरना प्रदर्शन होगी अगर बातें नहीं मानेगी तो। अगर दोबारा से बिल आती है तो दोबारा से फिर हम उस बिल को रोकेंगे। अच्छा जी, तो जो MSP की बात चल रही थी, MSP को इन्होंने कहा था कि मानेंगे लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं लगता कि सरकार भूल गई है आपके लोगों की बात? जो कहा गई है सरकार के कान पर जू कहा रही है, देख रहे हैं नहीं है कि चीन के कभी लेके उठ रही है, अब कोरोना के नए विषय लेके आ गए, तो सरकार के ऐसे गुमराह कर रही है सरकार, बस सरकार गुमराह कर रही है। मीडिया तो दिखा नहीं रही आप लोगों, मीडिया फिर वहीं आ गई, कपड़ों पर लगी हुई है मीडिया, भगुमय हो रही है मीडिया, मोदी जी से पूरे मैनेज हुई पड़ी है, सारी भगवा की बात चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे? बिक चुकी है ना, जब योगी जी जब 2014 में मोदी जी जब 2014 में सरकार में आए थे, जब मीडिया को सबको मोटे पैकेज चली गई, सब मैनेज हो गए हैं, तो केवल भगवामय ही कहेंगे, आम किसी के दूसरे पार्टी हो या आम संगठन हो किसी का नाम नहीं लेंगे। मोदी जी तो कहा था नारी सम्मान की बात की थी लाल किले की प्राचीर, कहने कहते हैं ना, जब कहते हैं ना कुछ काम सिर्फ कागजों में होता है, ऐसी मोदी जी के सिर्फ एक कहने वाली बात है। अच्छा, ये भी जुमला मान रहे हो? किसान मजदूर एकता संघ जो आपका संगठन है, क्या आगे का मोटिव है, किस तरह की क्या मांगे हैं सरकार से और क्या किस तरफ ले जाओगे? हमारे बीच में कपिल गुर्जर जी आ चुके हैं। प्रत्येक दिन मेरे संगठन का विस्तार हो रहा। आपका संगठन है उसके आगे क्या किस तरह से मजदूर दबे कुचले जो लोग हैं या किसान हैं या और लोग हैं उनकी किस तरह से मांग रखेंगे? देखिए मेरा संगठन नहीं, मेरी एक विचारधारा है, लोग मेरी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, मेरी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। किसानों के लिए हम मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, केंद्र की सरकार से और राज्य सरकारों से भी, एक डॉट पेन 2 रुपए का बना के 10 रुपए का मूल्य निर्धारित करने का, स्वयं का स्वामी एक कंपनी का मालिक होता है, किसान अपनी फसल जो पैदा करता है उसका मूल्य दलाल लोग तय करते हैं। पहले तो सरकार ने वादा किया और किसानों को छला, बात अपना चुनाव के रखे उन्हें वादा करके लौटा दिया, MSP पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले मांग करता हूं कि जो किसान जो एक छोटी सी कंपनी वाला अपना मूल्य निर्धारित करके पहले तय करता है, किसान आज दिन तक अपनी फसल का मूल्य निर्धारण नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करे, नहीं तो हम संगठन, अपना संगठन और कई संगठनों से मेरी बातचीत चल रही है, मैं आने वाले समय में नहीं करते तो भारत सरकार के खिलाफ मेरा आंदोलन जारी रहेगा, राज्य सरकार के खिलाफ भी आंदोलन जारी रहेगा। कब तक माना जाए कि आप लोग आंदोलन कहते रहे? मेरे संगठनों से बात चल रही है, अभी मेरे संगठन का विस्तार भी हो रहा है और जब मेरा विस्तार हो जाएगा तो उन संगठनों से बैठ के और कई संगठन मिलके हम लोग अपने धरने के द्वारा तैयारी कर रहा हूँ। मजदूरों के लिए अमेरिका ने बहुत पहले 8 घंटा कर दिया है, यहाँ पे कंपनी वाले मजदूरों को 10 से 12 घंटा करते हैं। मेरी सरकारों से ये भी मांग है इनका 8 घंटा ही समय किया जाए, मजदूर भाइयों को जो कोई 10 घंटा काम करा रहा, कोई 12 घंटा काम करा रहा है, इसको 8 घंटा कई देशों ने कर दिया, हमारे देश में कई बार वादा हुआ, बहुत पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि से 8 घंटे करेंगे, वो करने भी जा रहे, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने से 8 घंटे के सभी पदाधिकारियों का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमपाल भाटी जी, राष्ट्रीय संयोजक श्री विजय नागर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री इंदर नागर जी और जी सभी जितने भी यहाँ आए हुए पदाधिकारी गण, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। और जी यहाँ जो ज्वाइनिंग की गई है संगठन के लिए, प्रदेश दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कपिल गुर्जर जी और जितने भी यहाँ जिला अध्यक्ष मयूर विहार गुरुवंशल जी और सभी जितने गुरु जी की ज्वाइनिंग की गई है, उन सभी को हमारा इस संगठन को बहुत बहुत जो है अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस किसान का संगठन, किसान मजदूर एकता संगठन, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, इसी में जो है आप सबको लगकर इनका सहयोग करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। तो साथियों ये देखा कि जिस तरह से मोदी जी से परेशान है देश की जनता और ये देश के किसान यहाँ पर एकत्रित होकर इस बात को उठा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा कि बहुत जल्दी अगर जो MSP पे या सरकार से जो वादा किया था मोदी जी ने, जो वादा किया था अगर वो वादे पूरे नहीं हुए तो फिर एक बार आंदोलन की तैयारी करेंगे और आंदोलन फिर पहले से ज़्यादा बड़ा होने के।